नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एचपी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजगढ़ जिले के ग्राम भैंसाना में स्थित बड़ा मंदिर परिसर में दिनांक 16 अगस्त से 22 अगस्त तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन गुरुवार को विधि विधान के साथ सामूहिक माँ आरती के साथ प्रसाद वितरण कर किया गया। इस बीच 7 दिनों में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक पंडित गिरिराज वैष्णव द्वारा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ग्रामीण श्रद्धालुओं को कथा श्रवण कराई गई। इस बीच कथावाचक पंडित गिरिराज वैष्णव ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा करती है। ये कल्प वृक्ष के समान है। भागवत कथा ही साक्षात कृष्ण है और जो कृष्ण है वही साक्षात भागवत है। भागवत कथा भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। कथाव्यास ने पांडवों के जीवन में होने वाली श्री कृष्ण की कृपा को बड़ी सुंदर ढंग से दर्शाया। कहा कि परीक्षित कलयुग के प्रभाव के कारण ऋषि से श्रापित हो जाते हैं, उसी के पश्चाताप में वे सुखदेव जैसे जो जीवन में परेशानी को उत्तम समाधान देती है, साथ ही जीवन के बाद मोक्ष भी सुनिश्चित करती है। वहीं कथा के समापन अवसर पर सामूहिक महाआरती गई, उसके बाद प्रसादी वितरण की गई। इस मौके पर भैंसाना गांव के समस्त ग्रामीणों के साथ जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। देखिए पूरी खबर। मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। भगवान ने जरासंध का भीम के द्वारा उद्धार करवाया। राष्ट्र युग प्रारंभ हुआ तो महाराज जरासंध का जो पुत्र था सहदेव, अग्र पूजा का प्रस्ताव रखा गया तो सहदेव ने कहा महाराज सबसे पहले पूजन के योग्य भगवान से कृष्ण द्वारका जी से, और उसका अनुमोदन जो वयोवृद्ध है सहदेव ने प्रस्ताव रखा और बुजुर्ग जो राजा है उनने उसका समर्थन किया। तो महाराज उसी सभा में एक जहरीला बैठा हुआ था जिसका नाम था शिशुपाल। महाराज बिगड़ गया।